तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे मेरे दोस्त लोग, भाई लोग जो सब्सक्राइबर्स लोग हैं, मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि भाई स्क्रीन कॉर्ड का क्या रेशियो हो सकता है, बिकॉज सलार इज़ गोइंग टू वॉच योर शॉट ओवर 22 को रिलीज़ हो रही है, एंड उसके बाद अगर स्क्रीन कॉर्ड का अगर लफड़ा चल रहा है, क्योंकि बहुत स्टोरी सुनी है मैंने भाई इंटरनल स्टोरी इतनी सुनी है ना कि अभी मैं अगर डालूंगा तो सीधा सीधा चैनल में स्ट्राइक लग जाएगा, तो मेरे को डालना नहीं है वो सब बात। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो उनको पता है क्या खेल चल रहा है, क्या सीन हो रहा है वहाँ पर, वो सब कुछ बहुत बहुत बड़ा बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पर। तो पहली बात तो मूवी रिलीज़ करनी नहीं चाहिए, इतना गेम वेम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, क्यों नेगेटिविटी फैलाना जब पॉजिटिव सिचुएशन है। तो चलो ठीक है, जो भी है, अंत भला तो सब भला, हटाओ। राइट नाउ क्या है कि वायरफ इसको ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एंड पेन मूवीज़ जो है इसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डंकी को। तो और एक चीज़ है, अगर पेन मूवीज़ क्या है, पेन मूवीज़ के साथ साथ बैकअप एक वायरफ भी है इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशंस में, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा सबको। तो वो तो देखेंगे, वो सिचुएशन ना ही आए तो बेस्ट है। इंडिया के अंदर डंकी का कोई मार्केट लाइक अदर जो रीजनल लैंग्वेज के मार्केट है वो मार्केट है नहीं डंकी का। लाइक डंकी अदर अगर वो इंग्लिश अदर हिंदी तमिल एंड तेलुगु मलयालम में रिलीज़ होती तो भी उसको मिलता नहीं। तो चलो सही काम किया इन लोगों ने कि रिलीज़ ही नहीं किया, चलो ठीक है, दैट इज़ गुड डिसीजन ओनली। नहीं तो फिर क्या हो जाता था कि यहाँ पर जो हिंदी मार्केट है उसको थोड़ा सा डिग्रेड करने की कोशिश की जाती। तो अभी क्या सीन है कि वो बाकी रीजनल मार्केट में नहीं है, तेलुगु एंड तमिल में रिलीज़ नहीं हो रही है फिल्म, तो सिर्फ और सिर्फ एक की मार्केट, सिंगल मार्केट इस फिल्म के पास है। सिंगल मार्केट से ये फिल्म लड़ रही है 6-7 मार्केट में रिलीज़ होने वाली फिल्म के साथ। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मेरा ऐसा मानना है कि अनिल तंदानी ने क्या है वो गेम वगैरह वो एनिमल को लेकर किया, वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया, वो पूरा उल्टा पड़ गया, वो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला पूरा उल्टा गिर गया उनके ऊपर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहे वो कोलकाता के हो, नॉर्थ साइड के जितने भी हो, हिंदी टेरिटरीज के जितने भी हो, सबका फर्स्ट प्रेफरेंस एक ही है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फर्स्ट प्रेफरेंस 80-20 का प्रेफरेंस है, 80-20 का रेशियो है, 80% स्क्रीन्स इनको देना है डंकी वाले को देना है, 20% स्क्रीन सलार्स को देना है। तो उनका प्रेफरेंस ये, क्योंकि बात करता हूँ कुछ अभी नए अभी चौधे आए यूट्यूबर बनकर बैठे हुए, कुछ भी मतलब बाउलिंग सीधा मिचेल स्टार्क बनकर कुछ भी बोल रहे हैं वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी पता कुछ नहीं है, सीधा उठाकर किसी से मैसेज वैसेज में बात कर लो बस वही आकर चेप दो यूट्यूब में, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी है, अभी कोलकाता के डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड यूपी के एक बंदा है डिस्ट्रीब्यूटर, वो डायरेक्टली ये कह रहे हैं भाई 80-20 का रेशियो है, कुछ जगह पर 90-10 का रेशियो है, मतलब इसको 2 स्क्रीन देना उधर में 11-12 स्क्रीन देना, तो ऐसा सीन का रेशियो चल रहा है। हिंदी का बात कर रहा हूँ मैंने, ऑल टोटल में तो ऑब्वियसली सलार का तो 5,000-4,000 स्क्रीन के ऊपर होने वाला है। तो हिंदी में टोटल स्क्रीन्स ही हिंदी के अंदर 5,000 स्क्रीन, 5,000 समथिंग लिटरली सारा मिला लो, तो मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन्स पीवीआर आईनॉक्स सिनेमा सिनेपोलिस जितने भी तीन नेशनल चेन सब कुछ मिला दो तो लगभग 5,000 स्क्रीन्स इंडिया में हिंदी बेल्ट के पास है, हिंदी मतलब टेरिटरीज के अंदर में। तो अभी वो 5,000 स्क्रीन में जहाँ तक मुझे लगता है डंकी विल श्योर एंड श्योर शॉट इट वुड ऑप्टेन मोर देन 4,000 स्क्रीन, 4,000 स्क्रीन के ऊपर तो निकालेगी। अगर बहुत बहुत ज़्यादा ड्रैग वगैरह भी हुआ, बहुत ड्रैग किया भी गया तो भी 3,600 से लेकर 3,800 स्क्रीन एट वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि इतना कम स्क्रीन शाहरुख खान की फिल्म को तो मिलना नहीं है। ये स्क्रीन तो क्योंकि गदर को 4,000 स्क्रीन मिल गया अक्षय कुमार की फिल्म के सामने, वो भी ओ माय गॉड 2 सीक्वल है भाई, एक मास्टरपीस फिल्म भी हो, मतलब 2023 की तो सबसे मतलब शानदार फिल्मों में से एक फिल्म देखी है मैंने वो, तो वो अलग उस तरह के फिल्म के सामने 4,200 स्क्रीन गदर 2 को दिया गया। तो ये तो भाई शाहरुख खान ऑलरेडी 1,000 करोड़ का मतलब ऑन एन एट्रिक खड़ा हुआ है बंदा, एंड प्लस राजकुमार हिरानी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिस विल बी द फिल्म वुड बी श्योर एंड श्योर शॉट ईजिली फिल्म विल ग्रैप 3,800 to 4,000 प्लस स्क्रीन्स, 4,000 प्लस स्क्रीन्स ये लेगी इंडिया के अंदर हिंदी बेल्ट के अंदर, क्योंकि इसके पास और कोई बेल्ट नहीं है कई लाइक तेलुगु बेल्ट कन्नड़ा बेल्ट एंड तमिल बेल्ट में अंदर ये रिलीज नहीं हो रही है। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है, चाहे सामने वाले के पास 5 हथियार हो लेकिन बंदे फिल्म के पास सिर्फ एक हथियार है, लेकिन वो एक हथियार में भी अगर आप चोरी करने छीना झपटी करने आप गेम खेलोगे, ये फिल्म नहीं लोगे तो ये फिल्म नहीं दूंगा, तो घंटा किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऑलरेडी डिस्कशंस हुआ है ये सब चीज़ों को लेकर, बहुत नेगेटिविटी फैली है, बहुत धमकीबाजी हुई है यहाँ पर, बट धमकीबाजी काम नहीं करेगी बिकॉज सामने शाहरुख खान खड़ा है और यशराज फिल्म्स खड़ी हुई है, तो वो तो भूल जाओ। सो
सो मुझे ऐसा लगता है कि 3800 मिनिमम स्क्रीन्स, 4000 स्क्रीन्स प्लस हो जाएगा ये। एंड कमिंग टू ओवरसीज के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर शोज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। स्क्रीन्स क्या है, स्क्रीन्स ऑब्वियसली क्या है कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो क्योंकि इंडिया का कुछ टेरिटरीज ही है वहाँ पे जहाँ पर बहुत मोस्ट प्रोबेबली 11 शोज, 22 शोज, 15 शोज ऐसे लगे रहते हैं। बहुत कम ही थिएटर्स ऐसे UAE में कुछ जगह पे ऐसे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या है कि मिनिमम स्क्रीन्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्क्रीन्स 1800 टू 2200 स्क्रीन्स इसको ओवरसीज में भी मिलने वाली। 2000 स्क्रीन्स ये ओवरसीज में उठाएगा ये फिल्म, कुछ भी कर लो 1800 से 2000 स्क्रीन्स ये ओवरसीज में भी उठाएगा। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वर्ड ऑफ माउथ ऑफ द फिल्म, क्योंकि ये 21 को रिलीज हो रही है। 21 को अगर ऐसा वर्ड ऑफ माउथ बाहर आ जाता है कि मतलब भाई ऑडियंस पागल हो जाती है थिएटर से बाहर निकलने के बाद कि क्या बनाया है करके, तो दैट्स इट ब्रो। देन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि पहले दिन तो स्क्रीन्स ऑब्वियसली 5000 स्क्रीन्स मिलेंगे। मैं 21 तारीख की बात ही नहीं कर रहा हूँ इंडिया में, मैं क्लैश जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है, अगले दिन से क्लैश स्टार्ट हो रहा है, तो क्लैश के वहाँ से बात कर रहा हूँ कि इसको 3800 से 4000 स्क्रीन इंडिया में ईजिली मिलेगा, और ओवरसीज़ के अंदर 1800 से लेकर 2000 स्क्रीन इसको ईजिली मिलेगा। इंडिया के अंदर, ओवरसीज़ के अंदर दोनों मिलाकर इसको कम से कम 3800, 4000, 1000, 2000, मतलब कम से कम पकड़ के चलो 5800 से 6000 स्क्रीन इसको पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड के अंदर मिलेगा। जबकि पठान और जवान रिलीज हुए थे 8500 स्क्रीन में, 9000 स्क्रीन में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में, तो उतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज क्लैश है, तो बट इतना तो इसको मिल जाएगा मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो वीडियो सही लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने।